आज बंगाल एक साजिश का शिकार हो चुका है। कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस, ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। दोनों बंगाल को लूटने के लिए और भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए एक हैं। कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ भी और दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस कांग्रेस के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ वही साजिश करना चाहती है जो साजिश वह बंगाल के अंदर हिंदुओं के साथ कर रही है। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, जो बंगाल आज लौलुहान है, जो बंगाल आज विकास से दूर हटता जा रहा है, जो बंगाल आज बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है, बहनों और भाइयों, आज से 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति थी। आज से 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति थी। आज आप उत्तर प्रदेश में देखते होंगे, बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में आप देखते होंगे पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में कोई कर्फ्यू नहीं लगा। आज उत्तर प्रदेश में बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित है, कोई रंगदारी नहीं वसूल सकता, कोई दंगा नहीं कर सकता, कोई अराजकता नहीं फैला सकता। राह चलते हुए राहगीर से और किसी गरीब की संपत्ति पर कोई, किसी व्यापारी के व्यापार पर कोई अनावश्यक किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और बहनों और भाइयों, सरकार की योजना का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को बराबर यूपी के अंदर मिल रहा है, लेकिन बंगाल उससे वंचित क्यों हो गया? बहनों और भाइयों, ये बंगाल हमारा जो भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देता है, जो बंगाल कभी भारत को संदेश दिया था, स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के मंच पर चढ़ करके कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वह बंगाल आज हिंदू विहीन करने की साजिश का शिकार कैसे हो रहा है। और बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस, ये साजिश के तहत दो प्रकार की साजिश बंगाल के लिए कर रहा है। एक, आपकी डेमोग्राफी को कम करने की एक कुत्सित चेष्टा इनके द्वारा की जा रही है।